सभी प्रेमी भाइयों को सुरेंद्र सिंह की तरफ से नमस्कार। दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साधु डायरी फार्म पर। दोस्तों आज हम आपको एक बार फिर से एच एल डी बी के मदर फार्म में लेके आए हैं। और आज तो दोस्तों देखो, ये वीडियो केवल रिकॉर्ड के बारे में आज हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है रियल में एच एल डी बी के पशुओं की, जो मदर फार्म की बफेलोज के अंदर है, भैंसों के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है रियल में, वो दिखाने की कोशिश करूंगा मैं भाई। अभी तो लगभग हर एक किसान जागरूक होने लग गया है, धीरे धीरे जो ये प्रयास है सफल होंगे। कठिन है तो, लेकिन हम अब इनको कठिन इतना नहीं कह सकते प्रयासों को। किसानों ने जागरूक होना शुरू कर दिया और इस मुहिम में जुड़ना भी शुरू हो गए है, अपने आप और किसानों को जागरूक भी करने लग गए हैं। इन्हीं दिनों का इंतजार था कि भाई कब किसान जागरूक होगा खुद। तो चलो इन बातों को तो आगे करते रहेंगे। ये जो रियल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन एनिमल की आप देख पा रहे हैं, तो देखी तब मैंने ये खुली थी अंदर सभी भैंस से, तो देख के भाई सब मैं आप देख सकते हैं यहाँ भी कितने रियल में जो इनकी हाइट और लेंथ है ना, मेरे को इन्होंने उत्साहित किया भाई वीडियो बनाने के लिए कि भाइयों को ये चीज़ भी हम दिखाएं कि जो, लेकिन दूध दूध में नहीं, केवल इसमें भी हाइट और लेंथ में भी देखो खुली भाई। वीडियो में तो आपको शायद छोटी दिख रही हो, लेकिन जो रियलिटी में वास्तव में इनके जो इनकी बनावट है, पीठ पुट्ठे की, अडर की क्वालिटी जो इनके और है, हाइट और लेंथ है, इनके जो गुण है इनके, देख सकते हैं आप, जो एक असली मुर्रा के अंदर कहेंगे हम, तो असली मुर्रा के अंदर जो गुण पाया जाता है वो गुण इन भैंसों के अंदर है। और इसलिए मैं कहा मिल्किंग की और हम बुलों की तो दिखाते रहते हैं जोर, लेकिन भाई आम आदमी है ना, आज भी अगर किसी को हम ये कहेंगे ना किसान को कि ताऊ जी अंकल जी आप उसका टिक्का यूज करो, उसको दूध के बारे में गांव का किसान इतना जागरूक नहीं है, उनको सबसे पहले चाहिए वो कहेंगे भाई हमने फलाने टिक्के की कटिया देखी है, बड़ी गजब की आ रही है, बड़ी सुंदर आ रही है। तो अब ये हिसाब लगा लो, इन भैंसों में से निकल के गए हैं बुल भी एच एल डी बी के, उनमें उनके बच्चे क्या आएंगे, और आपको दिखाता भी रहता हूँ समय समय पर, आगे भी दिखाएंगे एच एल डी बी के बुलों के जो काफ है कितने बढ़िया आए हैं हाइट और लेंथ के। तो इसी के चलते मैं जो भी भाई देख रहा है वीडियो को शेयर करना ना भूले कि जो एक खान है ना, इनके बच्चे में जो रियल ब्रीडिंग का बुल होता है ना, उसके बच्चों में गुण उसके ऑटोमेटिक आने लगते हैं, उसकी माँ की गुणवत्ता, उसके बाप के गुण, मतलब भाई फायदेमंद है किसानों के लिए। देख सकते हैं किसान मेहनत जरूर करता है लेकिन उनको फल नहीं मिलता तो थोड़ा सा गजब अजब लगता है, अजीब सा। तो इस करके कह रहा था मैं आपको, ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बढ़िया मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। कहते हैं ना वो शेरनियाँ केवल शेर ही पैदा करती है, तो भाई शेरनियाँ ही हैं, देख सकते हैं हाइट और लेंथ कितनी बढ़िया बढ़िया जोटी, और काफ़ी दूर हूँ मैं इनसे, तो हाइट देखिए फिर भी आपको इतनी, इन्हीं चीज़ों ने मेरे को उत्साहित किया आज ये खुली भैंसों की वीडियो बनाने के लिए। आपको बंदी हुई कि एक एक की वीडियो तो मैं डिटेल से दिखाता रहता हूँ, लेकिन जो इसकी भी हमें ज़रूरत थी अच्छी अच्छी जो हाइट और लेंथ की, जो बहुत ही उम्दा मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं, इनकी हाइट और लेंथ है, जो गुणवत्ता है, जो पहले जो गांव के अंदर पाई जाती थी मुख्यतः, आप जो बुजुर्ग देख पा रहे हैं वीडियो को वो शायद जानते हैं पहले कैसी कैसी भैंसें होती थी, थनों का गैप उनका अलग अलग, और जो उनका अडर था अपनी देसी भाषा में कहूँ तो मैं लेवटा होता था जो उनका, वो बहुत ही काबिल तारीफ होता था। और जो अपने देसी हरियाणा में अपने कहावत है, पहले बुजुर्ग कहते थे अगर कोई बढ़िया दूध लाइन की भैंस होती थी घर में, अच्छी भैंस होती थी, तो उसको ये कहते थे भाई हमारी रानी भैंस है ये, एच एल डी बी के पास ऐसी ऐसी कितनी रानियां हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रही है हरियाणा सरकार किसानों के लिए इस मामले में, जो इन भैंसों को पहले
फार्म पे ही इनको तैयार किया जाता है। और दूध लाइन की ये भैंसे हैं, अच्छे बुलों का इनके ऊपर सिलेक्शन करके इन ब्रीडिंग का भी इनके ऊपर ख्याल किया जाता है कि भाई कहीं इन ब्रीडिंग ना हो जाए, उससे भी बुलों को भी बदल बदल के सीमन का यूज करके नस्ल सुधार में काम के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी उम्र की भी अच्छी अच्छी भैंसें हैं दूध वाली, और इनकी पीठ पुट्ठे की चौड़ाई तो काबिले तारीफ। और आपको कितनी पसंद आ रही है वीडियो ये, मैं आपकी लाइक और शेयर से अंदाज़ा लगाऊंगा और कमेंट से भी अंदाज़ा लगाऊंगा। वो HLDB की जो ये खूबसूरत ये सितारे है, किसान पशुपालक के लिए तो पशुधन ही उसके लिए सितारा होता है, ये भी हमारे लिए सितारा ही है। सरकार हमारे लिए ही इनको तैयार कर रही है, आगे चल के इनके बुल ही हमारे लिए किसान भाइयों के लिए उनके पशुधन के लिए सीमन तैयार करते हैं। और ऐसी ऐसी श्रेणियाँ पैदा हो और किसान के घर के लिए ये सितारे इसलिए तैयार किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए जी।